तो इस ईयर रेसलमेनिया 37 के अंदर जो नाइट वन एंड नाइट टू है इन दोनों को कंबाइन करके टोटल 50,000 ऑडियंस हमें आते हुए नजर आएगी। तो चलो रेसलमेनिया 37 के अंदर करीबन एक साल बाद हमें फिर से जो WWE के शोज हैं उस पर ऑडियंस तो दिखाई देगी, लेकिन रेसलमेनिया के बाद कब रॉ और स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें फैंस के दर्शन होंगे, रिसेंटली ये जो बात है वो भी रिवील हो चुकी है। और भाई ये जो क्वेश्चन है मेरे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूरा भरा रहता है कि रेसलमेनिया के बाद एक बार फिर से कब ऑडियंस आने वाली है। अगर आपके मन में भी ये डाउट है वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी आ चुकी है सामने और उस लिस्ट में सभी वो मेन सुपरस्टार्स के नेम इन्वॉल्व हैं जो कि इस साल रेसलमेनिया को मिस करेंगे। और शायद आप लिस्ट सुनने के बाद थोड़ा घबरा जाओगे कि भैया WWE के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स रेसलमेनिया में नहीं आएंगे। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम लोग रेसलमेनिया 37 की नाइट वन के मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं सिर्फ बल्कि WWE भी खुद कंफ्यूज है कि साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेयर का मैच मेन इवेंट करवाना है या फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच करवाना है नाइट वन के अंदर मेन इवेंट, क्योंकि भैया दोनों जो मैचेस हैं वो एडवर्टाइज हो रहे हैं रेसलमेनिया 37 की नाइट वन के मेन इवेंट्स के तौर पे। और भाई अगर आपने अभी तक जो गेमिंग चैनल पर भी न्यू वीडियो आई है वो मिस कर दी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फिएंड के बीच काफी कमाल का मैच हुआ, उसमें मैंने फिएंड के साथ मिलकर खेला लेकिन भाई ऑर्टन ने हमारी धज्जियां उड़ा दी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एक अच्छे से गेम प्ले के साथ मेरी सस्ती कमेंट्री कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो कैसा होगा, नहीं देखिए तो जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। लेकिन भाई वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि इस साल रेसलमेनिया 37 के अंदर काफी सारे जो WWE के बड़े सुपरस्टार्स है वो नहीं आने वाले हैं। अगर मैं छोटी सी लिस्ट कह लूं तो भाई लेजनर हो गए, जॉन सीना हो गए, अंडरटेकर हो गए, तो चलो ये तो वो WWE के सुपरस्टार्स है ना जिन्हें एक ना एक दिन तो WWE के अंदर नहीं आना था, तो जरूरी तो नहीं वो आने वाले काफी सारे सालों तक WWE के साथ कंटिन्यू कर सकते। लेजनर की रिटर्न का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन इस साल रेसलमेनिया के अंदर लेजनर की रिटर्न भी अभी तक तो नहीं हुई है। वो अलग बात है जब रेसलमेनिया चल रहा होगा अगर वहां पर वो हमें आते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई जो एक्टिव WWE के सुपरस्टार हैं जो कि रॉ और स्मैकडाउन के अंदर हर हफ्ते कम्पीट भी कर सकते हैं वो भी इस साल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होंगे। और उसकी जो लिस्ट है एक रिसेंटली सामने आ चुकी है, उसकी जो स्क्रीन शॉट है आप लोग देख पा रहे होंगे। शुरुआत होती है लिस्ट की जेफ हार्डी के साथ, फिर हमारे स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर मे बी आने वाले टाइम में बुक हो सकते हैं, मे बी आने वाले स्मैकडाउन के शो में अकीरा टोजावा, हम्बर्टो कैरलियो, ड्रू गुलाक, एंजल गार्जा, एरिक यानी कि जो वाइकिंग रेडर्स के मेंबर थे, ग्रैंड मेटलिक, आर्ट रूथ, लिंसे डोरांडो, जिक्सन रायकर, रिको शेक, अलिस्टो, टी बार, स्लैब जैक, मेस, मुस्तफा अली, टकर, डोमिनिक मिस्टीरियो, रेमिस्टीरियो, जे उसो, ओटिस, विल्से ब्लेक जो कि भाई अपने लाइन ऑफ द नाइट ऑफ द लोन वुल्फ्स क्या था भाई टीम का नाम, उनके मेंबर्स थे बैरन गॉर्बन, चैंड गिवल, साथ ही में एंजेलो डॉकिंस, मोंटेस फोर्ड, मोजो रॉलिस, एडिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन, शिंजुके नाकामुरा, जिंदर महाल जो कि पूरे तरीके से अब रेडी रिटर्न के लिए, बर्डी मर्फी, अलायस एंड कीथ ली। और इस लिस्ट में भी फिलहाल अलिस्टर ब्लैक का नाम नहीं है, तो मे बी अलिस्टर ब्लैक की इंजरी जो उन्हें हुई थी, जो माइनर इंजरीज हैं उसके कारण इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन ये वो सुपरस्टार्स हैं जो कि अभी स्टिल कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन WWE ने उन्हें रेसलमेनिया के अंदर बुक नहीं की है। लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी और अभी जो मेन सुपरस्टार्स हैं जैसे जॉन सीना हो गए, लेजनर हो गए, उनको तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया है। ये वो स्टार्स हैं जो कि हर हफ्ते रॉ स्मैकडाउन के शो के अंदर आराम से कम्पीट कर सकते हैं और WWE लंबे चौड़ी सुपरस्टार्स की जो लिस्ट है इनको इस साल रेसलमेनिया के अंदर शामिल नहीं करने वाली है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं और इस बार जो नेक्स्ट अपडेट है वो रेसलमेनिया 37 के बाद कब ऑडियंस आने वाली है इसको लेकर जुड़ी है। और भाई ये जो सवाल है मेरे पास एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बार पूछा गया है कि रेसलमेनिया के अंदर तो ऑडियंस आ रही है, दैट्स फाइन, हम लोग काफी खुश है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद रॉ और स्मैकडाउन के शो में कब हमें ऑडियंस के दर्शन होने वाले। और यही जो सवाल है रिसेंटली WWE के जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि निक खान है उनसे पूछा जाता है। रिसेंटली उन्होंने रोंडा राउजी और बेकी लिंच की रिटर्न भी कंफर्म की है और उसके बाद उनका ये वाला जो इंटरव्यू है इसमें उनसे पूछा जाता है कि रेसलमेनिया के अंदर तो ऑडियंस आ रही है लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आप लोग थंडर डोम के अंदर एक न्यू स्टेडियम में जाके शिफ्ट हो गए तो तब उसके बाद कब ऑडियंस आने वाली है इसको लेकर अभी फिलहाल WWE क्या चीजें प्लान कर रही है वो बताते हैं। इस साल रेसलमेनिया के अंदर नाइट वन के अंदर 25,000 ऑडियंस आएगी और नाइट टू के अंदर भी 25,000 ऑडियंस आने वाले जो कि काफी अच्छी शुरुआत है अगर मैं WWE के अंदर ऑडियंस की रिटर्न की बात करूं। और वहीं वो बताते हैं भी फिलहाल जो WWE है वो टूर के ऊपर एक बार फिर से जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, यानी कि जैसे वो अलग अलग सिटी में जाके हमें रॉ और स्मैकडाउन के शो करती हुई नजर आती थी तो वो चीज अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होने वाली है, उसको अभी फिलहाल बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन रॉ और स्मैकडाउन के अंदर जो ऑडियंस है वो काफी जल्दी आती हुई नजर आएगी और अभी फिलहाल हम लोग
वापस जरूर से जा रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग थंडर डोम के अंदर जरूर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही हम लोग एक बार फिर से ऑडियंस को वापस लेकर आएंगे, जैसे मान लो समर स्लैम हो गया या फिर कोई भी पेपर व्यू हो गया, जब वहां पर ऑडियंस आने शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी रॉ, स्मैकडाउन और अगर हम लोग एनएक्सटी को मिला लें तो तीनों शो पर हमें ऑडियंस जो है वो लाइव आते हुए नजर आएगी। और उसके बाद हम लोग एक बार फिर से मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। बस आप सभी को थोड़ा सा वेट और करना, और एक बार फिर से जब हम लोग वापस आएंगे तो हफ्ते में आपको तीन बार जो ऑडियंस है वो WWE के शोज पर आते हुए नजर आएगी, यानी कि यहाँ पर वो रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी तीनों शोज को इंक्लूड करते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि WWE की जो तैयारी वो भी काफी ज्यादा जोर शोर से है एक बार फिर से लाइव ऑडियंस बुलवाने की हर WWE के शो के अंदर। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इस चीज को टाइम है, मे बी समर स्लैम है या फिर समर स्लैम के बाद इस साल के यानी कि 2021 के आखिरी में मुझे ऐसा लगता है जो कोरोना वायरस है वो थोड़ा और स्टेबल हो जाएगा, जो वैक्सीन है वो और भी ज्यादा बेहतर आने लग जाएंगी, तो जरूर से जो ऑडियंस के रिटर्न है वो पूरे तरीके से पॉसिबल होगी और बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारे जो पुराने दिन है वो वापस आने वाले हैं। और बस अब हमें वेट करना है कि कब एक बार फिर से जो ऑडियंस के रिटर्न है वो ऑफिशियली अनाउंस होती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इस बार WrestleMania 37 की नाइट वन के बारे में जुड़ी है, जहां पर कौन सा मैच मेन इवेंट करवाना है इसको लेकर हम सिर्फ कंफ्यूज नहीं है बल्कि खुद WWE भी कंफ्यूज है, क्योंकि वो इन दोनों मैचेस को एडवर्टाइज कर रही है एज WrestleMania मेन इवेंट। अब यहां पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से चल रहा है कि मान लो क्लास के अंदर दो बच्चे हैं और आपको बताना ये है कि भाई दोनों के मार्क्स तो सेम है लेकिन क्लास में नंबर वन पोजीशन पे कौन आया है, तो कभी आप दूसरे को जाके बता दे रहे हो भैया तू नंबर वन आया है, तो क्लास के अंदर टॉप कर रहे हो, और दूसरे को जाके भी आप यही बात बता रहे हो कि भाई तू नंबर वन आया, तेरे मार्क्स उससे बराबर है लेकिन फिर भी तू नंबर वन आया क्लास के अंदर, तू कर रहा है क्लास के अंदर टॉप, तो यही कुछ सीन हो रहा है। यहाँ पर हमने रिसेंटली रॉ के एपिसोड के अंदर देखा कि ड्रू मैकइंटायर ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच WrestleMania के अंदर मेन इवेंट होने वाला है। और वहीं के आपको बता दूं आज से कुछ घंटे पहले जो बॉस हमारी साशा बैंक्स हैं उनका एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर वो ये बात रिवील करते हैं कि उनका और बायंका ब्लेयर का जो मैच है वो WrestleMania 37 की नाइट वन के अंदर मेन इवेंट होने वाला है। और इस चीज को लेकर साशा बैंक्स काफी ज्यादा खुश है, पहले आई नो एक ट्रिपल थ्रेट मैच मेन इवेंट हुआ साशा बैंक्स ये कहती है, लेकिन इस बार जो एक सिंगल्स मैच है वो वुमेन्स का मेन इवेंट करेगा और इससे जो बड़ी चीज है वो बिल्कुल नहीं होगी, इनफैक्ट जो साशा बैंक्स का करियर है इस चीज के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है जब वुमेन्स का जो मैच है वो WrestleMania के अंदर मेन इवेंट करने वाला है। साशा बैंक्स थोड़ा रोने लग जाती हैं, वो काफी इमोशनल हो जाती हैं और वो कहती हैं ये मेरे लिए और बायंका ब्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी जीत है कि वुमेन्स का जो मैच है जो कि सिंगल्स मैच होगा वो WrestleMania को मेन इवेंट करने वाला है। तो भाई अब समझ ये नहीं आ रहा कि WWE के दोनों को ये मत बता रही है कि भाई तुम्हारा मैच मेन इवेंट हो रहा है, मैच किसका मेन इवेंट होगा अब WrestleMania की नाइट वन के पहले मैच से पता लगेगा। अगर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस लैशली का मैच होता है शुरुआत में तो साशा बैंक्स वर्सेस बायंका ब्लेयर का मैच मेन इवेंट होगा, अगर बायंका वर्सेस बैंक्स का जो मैच है वो मेन इवेंट के अंदर नहीं होता है तो ये मैच शो की स्टार्टिंग में ही होने वाला है। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हूँ लेकिन भाई एक्चुअल में सिनेरियो यही चल रहा है। बाकी देखो कौन सा मैच मेन इवेंट होता है WrestleMania की नाइट वन के अंदर, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ कल NXT का जो टेक ओवर वाला शो है उसकी नाइट टू आएगी, फिर स्मैकडाउन आएगा और फिर नाइट वन होगी WrestleMania 37 के लिए, जिसके लिए भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो यार चैनल को, हम लोग 50K के काफी ज्यादा क्लोज हैं, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो आप लोग प्रेस ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नई फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।